आज के वीडियो में मैं आपको सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.5 बताऊंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन हमारा है, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैपिटल यू से दिखाते हैं। तो उसके अंदर सेट का एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद दिया हुआ है ए सेट, बी सेट और तीन सी सेट। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है हमें ए डैश। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए डैश बोलेंगे या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मीन्स होता है कि वैसा एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट में है बट वो ए के अंदर नहीं आना चाहिए, मतलब कि ए के अंदर वाला सेट नहीं आना चाहिए। मीन्स यूनिवर्सल सेट का सारा सेट बट उसमें ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, उसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। मीन्स ए नहीं, ए नॉट, इसको बोल सकते हैं ए नॉट। तो अगर इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ऐसा सॉल्यूशन लिखेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डैश का जो वैल्यू आएगा वो यूनिवर्सल सेट से आएगा। और उसको, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले ए सेट के अंदर का एलिमेंट देखना पड़ेगा। तो ए सेट के अंदर का एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, 4 है। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 को हटाकर छोड़कर बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है वो हम लोग को लिखना है, यानी 5, 6, 7, 8, 9। तो ए डैश के अंदर एलिमेंट आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 9। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे ए डैश हम लोग को निकालना है तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। और ये माइनस वाला हम लोग पिछले एक्सरसाइज में देख चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को निकालना है बी डैश। तो बी डैश भी हम लोग क्या निकालेंगे, बी डैश के लिए हम लोग यूनिवर्सल सेट से बी को माइनस करना है, यानी यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट लिखना है जिसमें बी का एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो इसके अंदर का एलिमेंट क्या आएगा, तो पहले बी का अंदर का एलिमेंट देखेंगे तो 2, 4, 6, 8, यानी यहाँ से 2, 4, 6, 8 को हटा देंगे और बाकी सारा यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट को लिखेंगे, यानी इसमें आ जाएगा 1, 3, 5, 7 एंड 9। फिर यहाँ थर्ड क्वेश्चन है ए यूनियन सी का होल डैश, यानी ए यूनियन सी निकालना है और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन सी क्या होगा, 1, 2, 3, 4 ए हो गया और इसका सी का वैल्यू क्या है, 3, 4, 5, 6। तो ए यूनियन सी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और उसके बाद यहाँ सी में कौन सा एलिमेंट है, 5, 6, 3, 4 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, देन यहाँ पर आ जाएगा 5, देन 6। और इसका हम लोग को क्या निकालना है, हॉल डैश निकालना है। इसका अगर हम लोग बात करें तो इसका हॉल डैश निकालना है। और इसका हॉल डैश कैसे निकालेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट से ये सारा एलिमेंट को हटा देंगे, माइनस कर देंगे। ये फाइनली हमारा आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट से ये सारा एलिमेंट को माइनस करना है 1 से लेकर 6 तक। तो यहाँ पर आएगा 7, 8 एंड 9। तो इस सेट के अंदर आएगा 7, 8 और 9। ओके, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट का हॉल कॉम्प्लीमेंट। इसका एग्जैक्टली वैल्यू होता है ए, या फिर हम लोग इसको फॉर्मूला के थ्रू हम लोग जान सकते हैं। तो फॉर्मूला के थ्रू हम लोग देखते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग इस बाहर वाला कॉम्प्लीमेंट को तोड़ेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट से इसको माइनस करना, अंदर वाला को यानी ए डैश को माइनस करना है। और अगर इसको दोबारा से तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये होता है यू माइनस ए। ओके, अब यहाँ से अगर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये ब्रैकेट हटेगा और ये माइनस अंदर इंटर करेगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये यू और यू कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा हमारा, ए। यानी इसका डायरेक्ट हम लोग वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, यानी हम लोग को इसमें ए सेट का सारा एलिमेंट लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी ए सेट का सारा एलिमेंट 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट का हॉल कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू होता है ए। उसके बाद हम लोग देखेंगे बी माइनस सी का हॉल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले देखेंगे बी माइनस सी क्या आ रहा है, तो बी में है 2, 4, 6, 8 और इसमें सी का वैल्यू को घटा देना, माइनस मतलब सी का वैल्यू को, सी का जितना एलिमेंट है उसको हम लोग को हटा देना। तो बी में 2, 4, 6, 8 है और सी में है 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर भी 4, यानी इसको क्रॉस कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो ये दोनों को हटा देंगे। तो बी में वैल्यू आएगा 2 एंड 8। अब हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 2 और 8 का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग यूनिवर्सल सेट को देखेंगे और यहाँ से 2 और 8 को हटाकर जितना भी एलिमेंट आएगा वो लिखेंगे। तो इसका हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं 2 और 8 को हटाकर। तो 2 और 8 को हटाएंगे तो 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9। ओके, इसका वैल्यू क्या आया था, 2 आया था और 8 आया, और इसका हम लोग क्या करना था, कॉम्प्लीमेंट करना था, यानी 2, 8 को हम लोग को यूनिवर्सल सेट से माइनस करके हटाकर वैल्यू लिखना था। तो ये वैल्यू है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में ए यूनियन बी निकालना है, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी होगा 1, 2, 3, 4 एंड 6 और 8। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 6 और 8। तो इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1, 2, 3, 4, 6 और 8। अब इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट से ये सारा एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो क्या बचेगा, 1 माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ से 5 बचेगा, देन 7, देन 9। तो इसके अंदर आएगा 5, 7 और
नाइन एलिमेंट आएगा। ओके तो आई होप आप कॉम्प्लीमेंट के बारे में जान चुके होंगे और आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा वो कॉम्प्लीमेंट का आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें एलिमेंट है, फाइंड क्या करना हम लोग को ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश यानी ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग को ए का सारा एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देना है। तो ए डैश इक्वल टू क्या होगा, ए डैश इक्वल टू होगा ए बी सी को इसमें से हटाकर सारा एलिमेंट को लिखेंगे यानी डी ई एफ जी एच डी ई एफ जी एंड एच। ओके इसके बाद हम लोग अगर बी डैश यानी बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसके लिए बी का सारा एलिमेंट यहाँ से यूनिवर्सल सेट से माइनस करना पड़ेगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा डी एफ जी को हटाना है यानी ए बी सी, ए बी सी डी तो नहीं लिख सकते हैं, उसके बाद ई एंड एच, ई और एच, तो ये होगा बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना उसी तरह से, तो सी का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए सी ई जी को इसमें से माइनस कर देना है यूनिवर्सल सेट में से। तो ए सी जी और ए सी ई जी को माइनस करेंगे तो बचेगा बी देन डी उसके बाद एफ और एच, तो ये होगा सी का कॉम्प्लीमेंट। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन है डी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसमें से हम लोग को यूनिवर्सल सेट से डी का सारा एलिमेंट को माइनस करना पड़ेगा। तो जी एच ए यहाँ से जी एच ए को माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा बी सी डी ई एफ। ओके तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा है, इफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू नेचुरल नंबर, यानी एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें नेचुरल नंबर का सारा एलिमेंट आएगा यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच, यानी ये सारा सेट का हम लोग को कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन नंबर, तो एक्स एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारा इवन नंबर आएगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग ले सकते हैं यानी इवन नंबर आ रहा है तो इसको छोड़कर यानी नेचुरल नंबर में इवन नंबर को छोड़कर कौन सा नंबर आएगा, तो ऑफकोर्स ऑड नंबर आएगा, तो इसके अंदर सारा ऑड नंबर का सारा एलिमेंट आएगा यानी एक्स इज एन ऑड नंबर। तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर। ओके फिर क्वेश्चन नंबर टू में बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी हम लोग को नेचुरल नंबर में से ऑड नेचुरल नंबर को हटाकर जो भी सेट आएगा वो लिखना है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब वही होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर को हटाकर क्या नंबर बचेगा, तो सारा इवन नेचुरल नंबर बचेगा यानी इवन कैपिटल एन, कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री, यानी थ्री का टेबल में आना चाहिए पॉजिटिव मल्टीपल यानी थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व ट्वेंटी वन थर्टी थ्री ये सब ये सारा नंबर। तो इसका अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ या फिर पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ भी ले सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव भी वर्ड जोड़ सकते हैं या फिर नहीं भी जोड़ सकते हैं। तो एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव मल्टीपल ही लिखेंगे, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री। तो एक ऐसा सेट होगा जो कि पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा यानी इस सेट में ये इस सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट इस सेट के अंदर से नहीं होगा यानी इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर इसमें है x such that x is a prime number, इसका हम लोग को कॉम्प्लीमेंट निकालना है जिसका सेट के अंदर क्या है, प्राइम नंबर सारा आएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर मानकर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, x such that x is not a prime number, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा नॉट अ प्राइम नंबर। ओके फिर क्वेश्चन नंबर फाइव को सॉल्व करेंगे तो इसमें बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल बाय थ्री एंड फाइव, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, बिकॉज हम लोग को यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर से लेना है, यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर है, तो एक्स इज नेचुरल नंबर एंड नॉट डिविजिबल बाय थ्री एंड फाइव। तो एक ऐसा सेट होगा जो इस सेट का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स में हम लोग देखेंगे कि x such that x is a perfect square, तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहे कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहे तो इसमें आएगा x such that x is not a perfect square,
यानी एक्स पर एक्स का जो वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स प्लस फाइव इक्वल टू एट, यानी इसका इस सेट का हम लोग को कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इससे पहले इसका एक्स का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स का वैल्यू एक्जैक्टली नहीं दिया हुआ है, तो अगर एक्स प्लस फाइव इक्वल टू एट दिया हुआ है तो इसमें एक्स का वैल्यू आएगा एट माइनस फाइव इक्वल टू थ्री, यानी यहाँ पर से एक्स का वैल्यू थ्री आएगा। तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू थ्री, यहाँ पर नॉट लगा देंगे, यानी एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू थ्री। ये ऐसा सेट है जिसमें इसका ये कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एक्स सच दैट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू नाइन, तो सेम इसमें भी एक्स का वैल्यू हम लोग को फर्स्टली फाइंड करना है। तो टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू नाइन है, देन टू एक्स क्या होगा, नाइन माइनस फाइव हो जाएगा, नाइन माइनस फाइव होगा फोर, एक्स इक्वल टू हो जाएगा फोर बाई टू यानी टू, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर टू आएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू टू, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन, एक्स का वैल्यू सात से बड़ा और बराबर होना चाहिए। तो अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो एक्स का वैल्यू हो सकता है सात आठ नौ दस और सो आगे तक बढ़ेगा। तो इसका अगर हम लोग को कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस सारे नंबर को छोड़कर बाकी सारा नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो सर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन सेवन, ओके, यानी एक्स का वैल्यू सात से कम होना चाहिए, सात से कम। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड टू एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन टेन, तो सेम इसको हम लोग एक्स का वैल्यू इसमें फाइंड करेंगे। तो टू एक्स प्लस वन टेन से ग्रेटर देन है, देन अगर इधर होगा टू एक्स और इसको अगर उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा नाइन, तो टू एक्स जो है वो नाइन से बड़ा होगा। देन यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो नाइन बाई टू हो जाएगा, यानी एक्स जो होगा वो बड़ा होगा नाइन बाई टू से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड जो एक्स का वैल्यू है इसका अपोजिट लिखना है, कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका अपोजिट, इसको छोड़कर, तो एक्स इज लेस देन नाइन बाई टू, और यहाँ पर इक्वल टू को भी साइन होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यूनिवर्सल सेट में 1 से 9 तक एलिमेंट है, फिर दो सेट दिया हुआ है ए एंड बी, ए के अंदर 2 4 6 8 है और बी के अंदर 3 2 3 5 7 है। उसके बाद हम लोग को वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेप्शन इंटरसेक्शन बी डैश, यानी एक ये फॉर्मूला भी है, इसका वैल्यू ये होता है, बट इसको हम लोग को वेरीफाई करना है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का एग्जैक्टली सेम होगा। चलिए हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इधर वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन बी का वैल्यू क्या आएगा, पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, यू माइनस ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इस सारे चीज़ को क्या किससे माइनस करना पड़ता है, यूनिवर्सल सेट से यानी यू से। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, यू माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मीन्स ए और बी दोनों का वैल्यू, यानी 2 4 6 8 3 5 7, 2 3 4 देन यहाँ पर 5 6 7 और वहाँ से 8, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का एलिमेंट, ए यूनियन बी का ये सारा एलिमेंट होगा। देन हम लोग को क्या फाइंड करना है, यू में से इसको माइनस कर देना है, यू में से इस सारे टर्म को माइनस करना है, तो वैल्यू आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ पर आएगा 9 1 और 9। अब हम लोग को क्या करना है, इस वाले टर्म का वैल्यू निकालना है, तो इस वाले टर्म को हम लोग लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी अब इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू एग्जैक्टली इसका बराबर होना चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी होता है यू माइनस बी, यानी यूनिवर्सल सेट से बी को माइनस कर देंगे। इसका वैल्यू आएगा ए यू में से ए को माइनस करना, यानी यहाँ से आएगा 1 3 4 5 7 एंड 9, 1 3 4 5 7 एंड 9, यूनिवर्सल सेट में से ए वाले एलिमेंट को मैंने यहाँ घटा कर लिख दिया। फिर इसका हम लोग को इंटरसेक्शन फाइंड करना है किसके साथ, यू माइनस बी। अब यू माइनस बी में क्या एलिमेंट आएगा, तो यू का सारा एलिमेंट लिखना है जिसमें बी का नहीं आना चाहिए, मीन्स आएगा 1 4 6 8 9, तो इसके अंदर आएगा 1 4 6 8 एंड 9। ओके, अभी दोनों का क्या करना है, हम लोग को इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मतलब होता है दोनों में क्या फाइंड करना, दोनों में वैसा एलिमेंट जो कॉमन है।
तो इसके अंदर आएगा, यहाँ पर वन है तो दोनों में वन है, थ्री इसमें नहीं है, फोर उसमें है तो फोर भी इसमें आएगा। इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, देखते हैं मैं स्टार्टिंग से। यू माइनस ए, यू माइनस ए मतलब यू का सारा एलिमेंट इसमें ए नहीं आना चाहिए, तो टू फोर सिक्स एट इसमें नहीं आना चाहिए, टू फोर सिक्स एट, यानी इसमें से आएगा वन थ्री फोर नहीं आएगा, फाइव सेवन नाइन। अब ठीक है ये, फिर हम लोग यहाँ देखेंगे तो यू में से बी को माइनस करना है, यानी इस बार यू में से बी वाला सारा एलिमेंट को माइनस करना है, यानी टू थ्री फाइव सेवन, टू थ्री फाइव और सेवन को माइनस कर देंगे, तो बचेगा वन फोर सिक्स एट नाइन, वन फोर सिक्स एट नाइन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें वन कॉमन आ रहा है, उसके बाद थ्री इसमें नहीं है, फाइव इसमें नहीं है, सेवन इसमें नहीं है, नाइन इसमें है, तो नाइन कॉमन आ रहा है, वन एंड नाइन। अब देखेंगे इसका जो आंसर आया और इसका आंसर आया वो एग्जैक्टली सेम आया है, इसलिए इसलिए क्या होगा, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ये प्रूफ हो गया, ये वेरीफाई हो गया। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर टू इसमें है, इसको भी हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसको मैं चाहता हूँ कि पहले आप वेरीफाई करें, तो इस वीडियो को पॉज करके आप लोग वेरीफाई करने का कोशिश करें, और उसके बाद देखें कि मेरा जो आंसर है दोनों का मैच एग्जैक्टली मैच कर रहा है कि नहीं। तो आई होप आप लोग में से कुछ लोग वेरीफाई करने की कोशिश किए होंगे, तो जिसका भी आंसर मैच किया होगा यानी उसका जो वेरीफाई का प्रोसेस होगा वो राइट होगा। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हम लोग को, इस वाले टर्म को वेरीफाई करना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका वैल्यू होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, कॉम्प्लीमेंट को तोड़ना है तो क्या करेंगे, यू में से इस वाले टर्म को घटा देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। फिर यहाँ से यू माइनस इसका वैल्यू क्या होगा, ए और बी में इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, यानी ए और बी में क्या कॉमन है, टू उसमें भी है, टू कॉमन है, इसके बाद बस टू कॉमन है, तो इसके अंदर आ जाएगा टू। यू में से टू को माइनस करेंगे तो ये टू चला जाएगा और बाकी सारा एलिमेंट आएगा, यानी वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, ये इसके अंदर एलिमेंट आएगा। फिर हम लोग को फाइंड करना ही है, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से ए को माइनस करके लिखना है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, टू फोर सिक्स एट को माइनस करना है, वन थ्री फाइव सेवन नाइन ये हो जाएगा, इसमें टू फोर सिक्स एट नहीं है। फिर इसका यूनियन निकालना है किसके साथ, बी डैश, बी डैश मतलब बी का वैल्यू किस में से माइनस करना है, यानी टू थ्री फाइव सेवन, तो यूनिवर्सल सेट में से टू थ्री फाइव सेवन को माइनस करके लिखना है, यानी वन फोर सिक्स एट नाइन। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों में ये दोनों का क्या करना है, यूनियन निकालना है, यूनियन मतलब दोनों का सारा एलिमेंट, मीन्स यहाँ से आ जाएगा वन, टू नहीं है तो यहाँ से आ जाएगा थ्री, फिर यहाँ से आ जाएगा फोर, फिर यहाँ से फाइव, वहाँ से सिक्स, यहाँ से सेवन, वहाँ से एट और इस वाले सेट से नाइन, तो इसका आंसर होगा। और ये दोनों आंसर एग्जैक्टली मैच कर रहा है क्योंकि वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फाइनली ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा है, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये सारा जो भी दिया हुआ है इसके लिए हम लोग को अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। तो इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है मीन्स ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग को वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग को दिखाना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इससे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ओके, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यू माइनस ए यूनियन बी। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बॉक्स बनाएंगे वेन डायग्राम के लिए, ये वेन डायग्राम के लिए बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स। उसके बाद इसमें हम लोग दो सर्कल लेंगे, एक सर्कल होगा ए के लिए, ए सेट के लिए, और दूसरा सर्कल होगा बी सेट के लिए। तो यहां पर हम दो सर्कल बनाते हैं, ये ए सर्कल हो गया और ये वाला सर्कल बी के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, देन इसमें करना है, इसमें कलर करना है या फिर उसको डार्क करना है, कैसे डार्क करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखें यू माइनस ए यूनियन बी, यानी इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट आएगा, जितना भी एरिया आएगा, उस एरिया को हम लोग को शेडो करना है, डार्क करना है, और वो हमारा इसका वैल्यू होगा। तो इसमें जो भी इस रेक्टेंगुलर भाग है, इस रेक्टेंगुलर भाग को हम लोग बोलेंगे यू,
यू माइनस यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा ये रेक्टेंगुलर भाग में जितना भी सारा एलिमेंट आएगा ये यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। अब ये यू में से हम लोग को माइनस करना है, ये पूरा डब्बा में से घटाना है। किस चीज़ को घटाना है, किस चीज़ को माइनस करना है, ए यूनियन बी को। अब यहाँ पर पहले इसको समझेंगे, ए यूनियन बी मतलब किस चीज़ को घटाना है। ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, ए का भी पूरा एलिमेंट और बी का भी एलिमेंट, यानी ये वाला पूरा भाग, ये वाला भी भाग और ये वाला भी भाग, ये क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। यानी यू में से इस वाले को भी घटाना है, इस वाले को भी घटाना है और इस वाले को भी घटाना है, ठीक है। यानी इस पूरा वाला रेक्टेंगुलर में से इस वाले को घटा देंगे, इस वाले को, तो क्या बचेगा, जो बचेगा उसको हम लोग शैडो कर देंगे, तो ये वाला टर्म हम लोग का ये वाला भाग बचेगा। यहाँ पर हम लोग जो क्रॉस मार्क किए हैं, ये जो क्रॉस मार्क है ये ए यूनियन बी का सेट है, ए यूनियन बी का एरिया है। यानी यहाँ पर ए का भी है और बी का भी है, दोनों कॉमन वाला भी, ए और बी दोनों है, ठीक है। उसके बाद इसमें से हम लोग को यू में से इस वाले टर्म को माइनस करना था, यू ये पूरा रेक्टेंगुलर भाग हो गया, और इसमें से ये सारा को माइनस कर दिया, यानी इस सारे भाग को हम लोग डार्क नहीं किए, शेडो नहीं किए। तो ये जो जिस भाग में हम लोग शेडो किए हैं, जिस भाग में, वो भाग होगा इस वाले का आंसर, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू में यहाँ पर लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम लोग पिछला क्वेश्चन में देख चुके थे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या निकलता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं। और ये वाला सेम क्वेश्चन किसके जैसा है, ये जैसा है, इसके जैसा है, तो सेम ये वाला डायग्राम भी किसके जैसा बनेगा, ये वाला डायग्राम के जैसा बनेगा। तो यहाँ पर सेम आंसर होगा, सेम वेन डायग्राम बिकॉज इसका जो भी हम लोग अगर सॉल्व करके लिखेंगे, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों सेम होगा, दोनों एक ही फॉर्मूला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में हम लोग को सॉल्व करना है एक इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका अगर हम लोग वैल्यू लिखेंगे, तो यू माइनस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट से इस वाले टर्म को घटा देते हैं, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ओके। तो यहाँ पर भी हम लोग वेन डायग्राम एक बनाएंगे और इसमें ए दो सेट बनाएंगे, दो सर्कल बनाएंगे, जो कि एक सर्कल होगा ए सेट का और एक और सर्कल होगा बी सेट का, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देंगे ए और बी, ए एंड बी। इसमें से हम लोग क्या करना है, पहले देखना है ए इंटरसेक्शन बी का कौन सा एरिया आ रहा है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, यानी ए और बी में कौन कॉमन है, ये ए का सर्कल है, ये वाला बी का सर्कल है, ये दोनों सर्कल में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, तो कॉमन ये बीच वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस बीच वाले पार्ट को हम लोग को नहीं लिखना, नहीं शेडो करना है। तो इस बीच वाले पार्ट को छोड़कर, यानी इसको हम लोग क्रॉस कर दिए, इस बीच वाले पार्ट को छोड़कर जितना भी वो पूरा यूनिवर्सल सेट में आ रहा है, उस सारे को हम लोग को शेडो करना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, तो इसको हम लोग शैडो कर देंगे, ओके। तो ये वाला जो भाग बचेगा बीच वाला, ये आंसर होगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ओके। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर फोर में हमारा फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, तो इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली ये होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग इस तरह से याद भी कर सकते हैं कि अगर ऐसा है तो इसका ए और बी लिखेंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, यहाँ पर यूनियन है तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे इंटरसेक्शन। सेम इसी तरह से अगर इसका फॉर्मूला निकालना है, तो ए बी करेंगे और उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, दोनों का हॉल कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे, ठीक है। सो इसका भी डायग्राम सेम इसी के जैसा बनेगा, इसका डायग्राम इसके जैसा बनेगा, यानी सेम वेन डायग्राम, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा इस प्रकार से है, एक सेट ए है जिसके अंदर बोला क्या गया है कि ए सेट के अंदर सारा ट्रेंगल आएगा, ए सेट के अंदर सारा ट्रेंगल आएगा, पर इसमें एक चीज और क्या बोला गया है कि एटलीस्ट वन एंगल इज लेस देन 60 डिग्री। मतलब कि इस ट्रेंगल में कम से कम एक ऐसा एंगल होगा, इस ए सेट के अंदर जितना भी ट्रेंगल आएगा, उस ट्रेंगल के अंदर एक ऐसा एंगल होगा जिसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 60 डिग्री से कम होना चाहिए, एक एंगल, कम से कम एक एंगल, दो एंगल भी हो सकता है, तीन भी,
यानी यहाँ पर ढेर सारा ट्रेंगल आ जाएगा जिसके अंदर एक ऐसा एंगल होगा जिसका वैल्यू 60 डिग्री से कम होना चाहिए, कम से कम एक तो ऐसा होगा। यानी यहाँ पर दो भी हो सकता है, यहाँ पर 22 डिग्री है तो ये हो सकता है 35 डिग्री, ये भी 60 से कम होगा। तो ये भी हो सकता है कि एक ऐसा एंगल जो कि 60 डिग्री से कम हो या फिर दो एंगल जो कि 60 डिग्री से कम हो, ठीक है। और हम लोग को क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए डैश क्या होगा, ए डैश यानी ए का कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या आंसर आएगा, तो इसमें अगर हम लोग थोड़ा सोचेंगे तो इसमें ये लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल एडएस के अंदर आएगा, एडएस के अंदर क्या आएगा, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने ये क्यों लिखा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी यहाँ पर अगर ये बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन एंगल इज लेस देन 60 डिग्री। तो यहाँ पर जितना भी एंगल होगा उसमें से जितना भी ट्रायंगल होगा उसमें कम से कम एक एंगल तो होगा जो 60 से कम होगा। अब यहाँ पर सिर्फ ऐसा ही ट्रायंगल होगा जिसके अंदर जिसका जो भी एंगल होगा वो सारा का सारा एंगल 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, सॉरी ये वाला जो ट्रायंगल है इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा एंगल नहीं मिलेगा जो कि 60 डिग्री से कम है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा, फिल इन द ब्लैंक, इसमें हम लोग को ब्लैंक को फिल करना है। यानी इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, देन इसका वैल्यू क्या होगा, ये इसका सारा का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन ए डैश, यानी ए और ए डैश, ए और ए डैश का सारा एलिमेंट। तो ए में अगर मान लीजिए ये एक सर्कल है और एक यूनिवर्सल सेट है, तो ये हो जाएगा ए, और ए डैश क्या हो जाएगा, ये इसका बाहर वाला, इसका बाहर वाला जो भी होगा ए डैश होगा, क्योंकि ए डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए को अगर माइनस कर देंगे, ये है यूनिवर्सल सेट, यू में से इस वाले सर्कल को माइनस कर देंगे, हटा देंगे बाहर, तो बचेगा क्या, इसके बाहर वाला बचेगा, और इसके बाहर वाला को ही क्या बोलेंगे, ए डैश बोलेंगे। तो ए यूनियन ए डैश मतलब ये वाला भी भाग और ये पूरा भाग, दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, तो दोनों को मिलाकर बनेगा यूनिवर्सल सेट यानी यू, ठीक है। फिर है ए और ए डैश में क्या कॉमन आएगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यानी ये वाला भाग ए में और ए डैश ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो ए डैश ये हो गया, ए डैश ये वाला नहीं है, ए डैश ये वाला नहीं है, ए डैश क्या है, ये है, ये है, ये सब सारा ए डैश है और ये है ए, ठीक है, ये वाला सारा ए डैश है और ये ए है, दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, यानी यहाँ पर इसका आंसर होगा 5। हमेशा कोई भी सेट का अपोजिट यानी कॉम्प्लीमेंट में और उस सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता। देन हम लोग को फाइंड करना थर्ड नंबर में 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। 5 कॉम्प्लीमेंट पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा क्या होता है, तो 5 मतलब कुछ नहीं, और कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट मतलब सब कुछ, यानी पूरा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट होता है 5 का कॉम्प्लीमेंट। यानी 5 कॉम्प्लीमेंट मतलब, 5 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं, और इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे यानी सारा एलिमेंट यानी यूनिवर्सल सेट। तो 5 डैश मतलब हो जाएगा पूरा यूनिवर्सल सेट। अब हम लोग क्या करना, 5 डैश और ए में कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो 5 डैश और ए में, 5 डैश मतलब ये पूरा डब्बा यूनिवर्सल सेट और ये वाला ये सर्कल, ये पूरा डब्बा और ये सर्कल में क्या कॉमन होगा, ये वाला सर्कल ही कॉमन होगा, तो ये सर्कल मतलब ये पूरा ए, यानी 5 डैश और ए का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो ये आएगा ए। फिर अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहेंगे, तो यूनिवर्सल सेट ये पूरा है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कुछ भी नहीं, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा 5, यानी पूरा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 होगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें आएगा मतलब ये हो गया 5, 5 और ए, 5 और ए में क्या कॉमन आएगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ये हो जाएगा 5 मतलब कुछ नहीं और ए, 5 और ए में क्या कॉमन आएगा, तो 5 में कुछ नहीं है और ए में क्या है, ए है, तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, दोनों में कुछ नहीं कॉमन आएगा मतलब 5, क्योंकि ए के अंदर भी क्या मौजूद है, 5 मौजूद है और इसमें भी 5 है, तो 5 और 5 में क्या कॉमन आएगा, 5, ओके। तो ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं 1.6 एक्सरसाइज बताऊंगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और सारा क्वेश्चन समझ में आया हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।